गाइस अदनान फ़ारूक हेयर adnanfarooq.com। आप लोगों ने पिछले हफ्ते सवाल पूछे और आई एम एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। 6 बजे हमारा लाइव सेशन है जो वर्कआउट हर 6 बजे होता है एवरी डे 6 o'clock। सो आई एम गोइंग टू कीप दिस ब्रॉडकास्ट वेरी शॉर्ट और आप लोगों से मैं माजर चाहूँगा। I may not be able to answer all your questions. I'm going to try and be as quick as possible. हमने बात की फीमेल प्रॉब्लम्स की और उसके साथ जो एस्ट्रोजन का लिंक है। I hope that gave you an insight. I hope it gave you a good perspective that lot of the trouble that you and I are facing has its roots in hormone imbalance, has its roots in a dysfunctional lifestyle, has its roots in what we call a toxic lifestyle. So, इस बात को मैं ज़्यादा तो नहीं कुरेदूंगा because of lack of time. What I want to do, in fact, is jump into your questions and answer them as quickly as possible. So, let's get started. आपने बहुत सारे सवाल पूछे और and I also want to be thankful कि आप engage हो रहे हैं और मुझे इससे ये पता लग रहा है कि आपको पता लग रहा है कि असल मामला क्या है। तो कुरुतुलैन आपने पूछा, आई एम टेकिंग प्रेग्ना केयर कंसेप्शन जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी और बायोटिन है, इज़ दैट ओके? Kurutulan, it's absolutely fine what you're taking, but if your concern is estrogen, then what you're having is just a very tiny part of the entire process. My approach is holistic. My approach is that we need to address all the aspects of a good lifestyle, which means good nutrition, sleep, the right kind of smart exercise, गिट्टे गोडे नहीं तोड़ने, some essential vitamins, maybe some herbs, sleep, stress improvement, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के अंदर देखें कि आपकी एक जो vitamin है वो कहाँ पे fit in करती है। So the answer is yes, it is okay, but very far from what needs to be done to combat high estrogen. ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद अक्स आप पूछ रही हैं, आई हैव लूज माई वेट बट आई फील इट्स माई बॉडी इज़ नॉट टोन्ड अप, लाइक आई हैव रिड्यूस्ड 9 kgs बट स्टिल कैंट फील इट्स टोन्ड। ओके अक्स, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। आप कह रहे हैं कि डिस्पाइट यू लूजिंग वेट आपको अपनी बॉडी टोन्ड नहीं नज़र आ रही। वो इसलिए है अक्स क्योंकि आपने जिस तरह वेट लूज़ किया उसी तरह ही 90% लोग वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस के अंदर फैट लॉस कम करते हैं, वेट लॉस के अंदर मसल लॉस ज़्यादा करते हैं। तो जब मसल कम होएगा आपको स्केल पर रिजल्ट तो नज़र आ जाएगा जो आप देख रहे थे, बट मसल लॉस की वजह से कोलेजन का कम होना, सेल्यूलाइट का बढ़ना, स्किन का लटकना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सो यू लुक मोर देन योर एज डिस्पाइट बीइंग लाइटर ऑन द स्केल। सो in simple words, the way you lost weight was not right. You lost muscle, not too much of fat. It should have been the other way around. अब उसका करना क्या है? You can reverse this by not dieting and by not doing so much of exercise. I don't know if you followed me enough. I am against so much of exercise. I do believe exercise is important, but अपने आप को रोज़ घंटों घंटा गिट्टे गोटे तोड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के जो पैरामीटर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको पहले पूरा करना होगा, हेल्थ को रिस्टोर करना होगा। सो आई होप दिस गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव। अक्सर आप और पूछ रही हैं, ग्रीन टी ऑल्सो इज जस्ट कंसिडर्ड एज डिटॉक्स? येस बट नॉट इंटायरली। डिटॉक्स इज़ ए लाइफ स्टाइल। डिटॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं अक्स। उसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो खा रहे हैं वो देखें कि वो इन्फ्लेमेशन तो नहीं प्रोड्यूस कर रही। दूसरा, आप अपने लिवर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटीन की इंटेक अच्छी होती है ताकि लिवर को सपोर्ट मिले। आप क्या करते हैं कि आप कुछ आप वाइटामिन्स लेते हैं, जिस तरह लिवर के लिए हम लिवर को सपोर्ट करने के लिए मिल्क थिसल इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। हम फाइबर की इंटेक बढ़ाते हैं। इस सब गोल के छिलके की बात नहीं मैं कर रहा, मैं वो सब्जियों की बात कर रहा हूँ जो हम सलाद, पत्ता और ये बाकी चीज़ें खाते हैं, जिनको हम थोड़ा सा अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, जिससे फाइबर की इंटेक से डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट बना देते हैं। तो ग्रीन टी, यस, आप वहाँ से पानी की इंटेक तो कर रहे हैं, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन, बट yes, still the answer is yes, you're doing a good job, better than a lot of people. I hope this answers your question. Shaheen, thank you so much for this video, it helped me a lot. Please tell me a vitamin brand jisme wo sab ho jo aap is video mein bata rahe hain. Shaheen, thank you very much for appreciating. If you go to our website adnanfarooq.com, the vitamins that I personally use and I recommend because I use them myself are on the website. इस video के ऊपर भी description के अंदर वो link आ रहा है, click that link and you'll find the vitamins that you need. आप message करके पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी vitamins आपको चाहिए, because multivitamin के साथ एक दो और vitamins हैं जो आपको लेनी होंगी, including magnesium and vitamin D to start off with. So I hope this answers your question. Noreen, we are living in such an age, such a country that most of foods we eat can easily be rated as inedible, either because of adulteration, pesticides or fertilizers and number of other things which include hormones too. Noreen, nothing could be, you've said it very rightfully and I'm glad that you have this insight. Ab iska tareekekar kya hai कि जितना हो सके अपनी बजट के अंदर ऑर्गेनिक खाएं, और चूँकि ऑर्गेनिक महंगा होता है तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने ऑर्गेनिक चिकन रोज़ खाना है। इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, यू कैन हैव इट ट्वाइस अ वीक, यू कैन हैव इट वंस अ वीक, बट यू विल नॉट हैव द कन्वेंशनल चिकन एज मच एज़ यू डू ऑन अ डेली बेसिस। कि जो कन्वेंशनल आइटम्स हैं जिसके अंदर चिकन, डेयरी आ जाती है, जिसके अंदर ग्लूटन आ जाता है, जिसके अंदर सोया तो वैसे हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, ये दो मेन आइटम्स हैं, इनको हम कम से कम यूज़ कर रहे होते हैं, हम पैकेज्ड फूड्स को कम से कम खा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम नेचुरली अपने इनटेक को बेहतर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खा रहे हैं तो उससे, और फाइबर ऐड कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इनटेक हमारी अच्छी है, तो उससे हमारी डाइजेशन और हमारी बाउल मूवमेंट अच्छी होगी। लिवर को हम सपोर्ट करेंगे, लिवर अच्छी तरह डिटॉक्स करेगा, किडनीज डिटॉक्स करेंगी, डाइजेशन अच्छी होगी, बाउल मूवमेंट अच्छी होगी, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आई हैव रियली कंडेंस्ड दिस आंसर एंड इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल हो जाती है, हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट बीइंग एबल टू आंसर इट कम्प्लीटली, बट आई होप दिस गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव। सादिया कह रही हैं, आफ्टर हिस्टेक्टमी नो मोटिवेशन एंड वेट इज कॉन्स्टेंटली ऑन राइज। हिस्टेक्टमी के ऊपर गाइज आई वॉन्ट टू से वन थिंग, दैट द असम्पशन हेयर इज के हिस्टेक्टमी या ओवरीज रिमूव करने से एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। हालांकि एस्ट्रोजन एड्रीनल ग्लैंड भी प्रोड्यूस करता है, ओवरीज भी करती हैं जिनको आपने रिमूव करवा दिया, और तीसरा जो बॉडी के अंदर फैट सेल्स हैं वो भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो दो सोर्सेज और हैं जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सो इवन विद वुमेन दैट हैव गॉन थ्रू हिस्टेक्टमी हैव स्टिल एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोजन डोमिनेंस। सो उसका क्या तरीक़ेकार है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, मेरी पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो आपने नो मोटिवेशन और वेट की बात की है, इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज, वेट इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज बिकॉज सादिया आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका हुआ है। यू नीड टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, और उसके एक अलहदा एक पूरी प्रोटोकॉल है जिसमें आप इतनी डाइटिंग और इतनी एक्सरसाइज नहीं करते। और दूसरी तरफ मोटिवेशन आपकी इसलिए कम हो चुकी हुई है, प्रॉबली आई डोंट नो योर हिस्ट्री, बट बिकॉज यू हैव डन द टिपिकल वेट लॉस थिंग्स, तो उसमें विल पावर और मोटिवेशन फटीग हो जाती है। सो चेंज योर अप्रोच, यू विल फाइंड ए बेटर रिजल्ट। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं। कुरुतुलैन पूछनी इज कीटो हेल्प टू पीसीओएस। कुरुतुलैन कीटो सर्टनली इज अ हेल्प टू पीसीओएस। It does reduce insulin and blood sugar, and it also helps in reducing estrogen. However, keto की जो सबसे बड़ी problem है कि sustainability की। A lot of people, the way they do keto is that they will immediately come down to 50 grams or even 25 grams of carbohydrates और एकदम अपने fats बढ़ा देंगे। This way, without training your metabolism और इस तरह macronutrients को dramatically और rapidly change करने से आपको कीटो के benefits शायद तो मिलेंगे but वो आप sustain नहीं कर पाएंगे। So the quick answer is yes, keto does help PCOS. The long answer, which I may answer next time, is that you need to do a ketogenic diet properly so you can sustain and reap the benefits on for a long term rather than for a few weeks or few months. So I hope this answers your question. Sadia Puchni, can everyone have multivitamin, especially magnesium? Yes, you can. Magnesium is much needed by the body. It helps improve a lot of the PMS symptoms or estrogen ke symptoms ko help karta hai. You can have it. It does work. So the answer is go ahead and do what you're doing. अक्स पूछ रही हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ रोटी लाइक ब्राउन ब्रेड। ऑल्टरनेटिव ऑफ रोटी इज नो रोटी, या अगर आपने रोटी खानी है तो ग्लूटेन फ्री आटा आजकल फ्रीली अवेलेबल है। यू कैन गिव दैट अ शॉट और यू कैन स्विच टू राइस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपको आपकी एनर्जी को भी बाहर रखते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे होते हैं but without the inflammatory substance which is called gluten. Sorry about the tongue twister. Ames पूछ रही हैं I am doing walk but weight is still there. Ames, walk is a very tiny part of the entire equation. You need to look at the bigger picture. We're talking holistic lifestyle. आपको perspective लेने के लिए मेरी पिछली videos और मेरी YouTube के ऊपर videos भी देखें. What am I talking about? कि टोटका mentality ना लें कि जी कोई एक ऐसा टोटका बताएं जिससे मेरी सारी problems दूर हो जाएं. So the answer is yes, I'm appreciative that you are doing something better than nothing, but then you need to start moving to other lifestyle factors ताकि आपको पूरा benefit मिल सके. So I hope this answers your question. आगे चलते हैं। अच्छा, अर्सला आप पूछ रही हैं क्वारंटीन दीज मेडिसिन प्रेग्नेंट केयर प्रोबायोटिक्स एंड विटामिन डी अवेलेबल इन पाकिस्तान, वे कैन आई? ओके, आई थिंक अर्सला आप पूछ रही हैं वे कैन आई फाइंड दीज मेडिसिन। अर्सला, दे आर अवेलेबल ऑन द नेट. यू कैन गूगल एंड यू विल फाइंड देम. हाउएवर, जो वाइटामिन मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, माई फैमिली इज़ यूजिंग, आई हैव दोज ऑन माई वेबसाइट. उसका लिंक इस वेबसाइट के इस वीडियो के ऊपर भी है. यू विल क्लिक द लिंक एंड यू विल गो टू दैट वेबसाइट. बट आई एम नॉट प्रमोटिंग माई वाइटामस, आई एम जस्ट सेइंग दीज आर द वंस आई ट्रस्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वालिटीज आउट देयर. सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. उम्मीद कह रही हैं मेनोपॉज में बहुत प्रॉब्लम फील होती है. उम्मीद प्रॉब्लम मेनोपॉज पे नहीं है, सिर्फ चूँकि बॉडी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा चुकी है, हाई एस्ट्रोजन स्टेज से लो एस्ट्रोजन स्टेट में जा चुकी हुई है. तो वी नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली. व्हाट एम आई सेइंग? वी नीड मोर सेल्फ केयर, वी नीड मोर स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी नीड मोर रिकवरी फ्रॉम डेली रूटीन, वी नीड टू बी स्मार्ट अबाउट एक्सरसाइज, नॉट डू टू मच ऑफ एक्सरसाइज, वी नीड मोर ऑफ फाइबर. ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. कहने का माई शॉर्टेस्ट आंसर इज मेनोपॉज इज नॉट द प्रॉब्लम. द वे यूर अप्रोचिंग योर लाइफ स्टाइल इन अ मेनोपॉजल स्टेट, दैट्स द प्रॉब्लम. सो अगर आप मेनोपॉज को सामने रखेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स. आई एम इन माई मिड 40s, और जहाँ पे औरतों का मेनोपॉज होता है, बंदों का एंड्रोपॉज होता है. एंड आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आई फील a lot better and a lot of things that I didn't feel 10 years ago. Okay, so there's your proof. I hope this answers your question. आगे चलते हैं. Okay. कुरुतलैन आप पूछ रही हैं एस्ट्रोजन को डिक्रीज कैसे करें. प्लीज़ कुरुतलैन प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो, इट्स ऑन द पेज. जिस पेज पे आप ये वाला ब्रॉडकास्ट देख रही हैं आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा. अजीज़ा पूछ रही, कैन यू प्लीज़ नेम अ विटामिन दैट कैन बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस. Aziza, there are 3-4 vitamins that need to be taken on a regular basis. There's multivitamin, there's a vitamin D, there's magnesium. These are the 3 vitamins that I would recommend. So and you can have them indefinitely. So I hope this answers your question. Vitamins ka link bhi is video ke upar laga hua hai in case you want to see the vitamins that I use. So you could check that out as well. Okay. अक्स कह रही हैं आई एम डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट्स, लेग प्रेस, क्रंचेस, नी पुशअप्स, वॉल पुशअप्स. आई डोंट नो इफ दैट इज़ अ क्वेश्चन, आई थिंक इट्स जस्ट अ कमेंट. ओके आगे चलते हैं. सिद्रा पूछ रही हैं हनी प्लस जिंजर प्लस पिंक सॉल्ट प्लस ACV प्लस सिनेमन इन हॉट वाटर, इज इट गुड. येस इट इज़ गुड, बट आई वुड मेक श्योर दैट डोंट हैव टू मच ऑफ हनी. और ये जो आपकी कंकॉक्शन है दिस इज़ अ फैंटास्टिक इंग्रेडिएंट, दिस इज़ अ फैंटास्टिक अप्रोच. निहार मुँह आपने लेना है. आई थिंक दिस इज़ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट इज़ वेल. सो गाइज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई वुड हैव आंसर्ड मोर क्वेश्चंस. आई अपोलोजाइज कि मैं लेट आया हूँ. आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई विल बी यू नो देयर बी मोर कॉन्टेंट कमिंग योर वे. और जैसे ही लाइव सेशन ख़त्म हो रहा है अगला सेशन हमारा वर्कआउट को शुरू हो रहा है. सो बी श्योर to take advantage of that and enroll with Arshad जो कि आपको workout कराएगा. So I hope I've answered your questions and stay tuned. I'll be in touch. Thank you very much for your time.